अर्डिनो के टूल्स के बारे में हमें उसकी प्रोग्रामिंग के लिए, उसकी सिमुलेशन के लिए या हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, आज हम इनके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली दो तरह के टूल्स होते हैं, एक सिमुलेशन एंड डिज़ाइन टूल्स होते हैं जिनमें हम वर्चुअली अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे आर्डिनो को प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं उसको हार्डवेयर पे बनाने से पहले। और उसके बाद दूसरी तरह के टूल्स होते हैं जो इसके हार्डवेयर टूल्स होते हैं, यानी जिन पे हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बना के चेक करते हैं। तो देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सिमुलेशन एंड डिज़ाइन टूल्स, ये हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, इनमें सबसे पहला तो आर्डिनो आईडीई है, आर्डिनो का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके बाद सेकंड टूल हमारे पास है फिट्ज़ेन, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटियस और नेक्स्ट है हमारे पास आर्डिनो ड्रॉइड। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये टूल्स क्या हैं। सबसे पहले आर्डिनो आईडी, आर्डिनो आईडी आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आर्डिनो का जो भी कोड है वो हम आईडीई के अंदर लिखते हैं। ये आपके सामने इसकी प्रोग्राम विंडो ओपन है। आर्डिनो के प्रोग्राम को हम स्केच बोलते हैं। तो जो भी स्केच होगा, जो हम आर्डिनो से काम लेना चाहते हैं, वो स्केच हम इस विंडो के अंदर लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास है फिट्ज़ेन। फिट्ज़ेन बेसिकली एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ आर्डिनो ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, इसमें इस चीज़ का ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि फिट्ज़ेन सिर्फ एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, यानी आपके माइंड में एक प्रोजेक्ट का जो स्केच है आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ये उसको सिमुलेट नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट टूल देखते हैं, ये है प्रोटियस। प्रोटियस फिट्ज़ेन से थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है कि प्रोटियस हमें रियल टाइम में प्रोजेक्ट की सिमुलेशन दिखाता है। प्रोटियस को भी हम आर्डिनो के अलावा बहुत सारे सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम 89 से 51 की सिमुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह जैसे इसमें इस वक्त एक आर्डिनो का सर्किट बना हुआ है, इसमें आर्डिनो की लाइब्रेरी बाई डिफॉल्ट ऐड नहीं होती, हमें इसमें आर्डिनो की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, आपके पास सेलफोन अवेलेबल है और आप आर्डिनो को प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऐप मौजूद है जिसका नाम है आर्डिनो ड्रॉइड। आर्डिनो ड्रॉइड को यूज करते हुए आप अपने मोबाइल फोन के जरिए अपने आर्डिनो को कनेक्ट करके डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये ऐप इंस्टॉल करेंगे और इसको आप प्रोग्राम कर लेंगे, ये देखें ये ऐप का एक इंटरफेस ओपन है, यहाँ पे ये आर्डिनो के लिए कोड लिखा हुआ है। इसके बाद हार्डवेयर टूल्स, ये जो प्रीवियसली हमने देखे वो थे सॉफ्टवेयर टूल्स, यानी जो वर्चुअली हमें आर्डिनो की सिमुलेशन शो कर देते हैं या उसकी डिजाइनिंग शो कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो डेफिनेटली वो हार्डवेयर पे बनते हैं। तो हार्डवेयर टूल्स हमें कौन कौन से रिक्वायर होंगे आर्डिनो पे काम करने के लिए? सबसे पहले मल्टीमीटर, ब्रेडबोर्ड, जम्पर वायर और पावर सप्लाई एंड फाइनली आर्डिनो। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर एसी और डीसी वोल्टेज को मैयर कर सकता है, रेजिस्टेंस मैयर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक हो सकती है, डायोड चेक की ऑप्शन होती है। ये सारी चीज़ें हमें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम आर्डिनो पे काम कर रहे होते हैं। ब्रेडबोर्ड, ब्रेडबोर्ड सबसे इजी होता है अगर आप बिगनर लेवल पे आर्डिनो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए ब्रेडबोर्ड सबसे बेहतर है। हाँ, इसमें इसको यूज करते हुए एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि ये देखें जैसे ये ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वायर्स हैं ये सारी वायर्स आपस में शॉर्ट हैं, यानी अगर आप कोई कंपोनेंट, एक पिन अगर आप ए पे लगाएंगे तो वो पिन बेसिकली ए बी सी डी ई इन चारों से कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी ये पूरा पोर्शन शॉर्ट है। और इसी तरह यहाँ पर ये पूरा पोर्शन शॉर्ट है, जैसे नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका
शॉर्ट है, यानी अगर आप यहाँ सप्लाई देंगे ग्राउंड, तो यहाँ पूरे पोर्शन को ग्राउंड मिल रहा होगा। इसके अलावा आप इसमें वेरो बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, पीसीबी भी डिजाइन की जा सकती है, लेकिन वो फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाती है। ब्रेड बोर्ड इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसमें आप एक ही बोर्ड में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बना बना के चेक कर सकते हैं। हाँ, जब आपके जहन में कंसेप्ट फाइनल हो जाता है कि अब आपका प्रोजेक्ट वर्किंग में है, आप उसे फाइनल डिजाइन करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम पीसीबी डिजाइन करना बेहतर समझते हैं। इसके बाद जंपर वायर्स हैं। डेफिनेटली जब आप ब्रेड बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको जंपर वायर्स की जरूरत पड़ेगी। ये देखें, इनके यहाँ पे पिन्स मौजूद हैं, तो ये ब्रेड बोर्ड पे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के काम आती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पावर सप्लाई, क्योंकि अर्डिनो वैसे तो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर हमें ज्यादा करंट रिक्वायर होगा तो हमारी ज्यादा करंट रिक्वायरमेंट को आर्डिनो पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें मैक्सिमम केसेस में एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप किसी अडॉप्टर से भी ले सकते हैं और बैटरी बैंक भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल जो हार्डवेयर पार्ट है वो आर्डिनो है। मुख्तलिफ आर्डिनो शो किए गए हैं, आर्डिनो मिनी है, नैनो है, आर्डिनो मेगा है, आर्डिनो उनो है। तो जिस टाइप का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, मैं आर्डिनो उनो यूज करूंगा या आर्डिनो नैनो यूज करूंगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं आप उससे रिलेटेड आर्डिनो यूज कर सकते हैं। मजीद आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।